A पर इसका अगर हम ट्रेस बैक करें चीजों को सो अकेडमिक सर्कल्स में और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल्स में गवर्नमेंट की पॉलिसी के रूप में इसके ऊपर चर्चाएं बहुत पहले से ही हो रही है 1960 से ही इसके ऊपर चर्चाएं हैं और एग्जांपल्स मौजूद हैं यहां पर जो uh, टॉपिक है आज का वो है लेटर एंट्री इन टू गवर्नमेंट थ्रीम इन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स सो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की जब भी बात करी जाती है बार बार ये बात होती रही है बहुत सारी रिकमेंडेशन की कमिटीज बनी हैं बॉडीज बनी हैं कमीशन बने हैं जिन्होंने इसके इसको लाने के लिए सजेशंस दिए हैं बहुत ही अच्छा आर्टिकल है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सिंह से लिया गया है सो इट इज समथिंग यूनिक इट इज समथिंग वेरी न्यू नॉवेल दैट यू विल नॉट सी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बुक्स तो यहाँ पर जिन भी स्कॉलर्स के नाम लिए जाएंगे कुछ पॉइंट्स हैं उनको आप बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सीरियस जो स्टूडेंट्स हैं क्योंकि अगर आप जब इसके आधार पर अपने आंसर्स को लिखेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे नंबर मिलेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आंसर लिखना और गवर्नेंस का जी का आंसर लिखने में अंतर है और इसी वजह से जो भी हमें ऐसा लगता है कि हमारे मेन्स में पेपर में क्वेश्चन आता है उसको हम जब जनरल स्टडीज परस्पेक्टिव से लिखते हैं तो हमें नंबर में नहीं मिलते हैं यहाँ से आपको बहुत ही कुछ

अग, अगर हम देखें तो नाइनटी थर्ड रिपोर्ट ऑफ एस्टिमेट कमेटी 66 में आती है उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिए कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को सिलेक्ट करे ऑफिसर्स को एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए फ्रॉम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव पूल बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस मतलब एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव पूल बनाए जहां पर सबसे अच्छे जो आपके उनको लगाया जाए सो so, ऑफिसर्स को लगाया जाए जिनके पास टेक्निकल बैकग्राउंड है और एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन साइंटिफिक इंडस्ट्रियल और टेक्निकल सब्जेक्ट्स के साथ बहुत सारे जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं उनके पास टेक्निकल बैकग्राउंड होता है उसी के उसको यूज कैसे किया जा सकता है फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की बात करें तो यहाँ पर एंट्री लेवल जो होगी स्पेशलाइज स्किल्स की और एक्सपर्टीज की वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो नहीं पाई जाती है ऐसे लोगों को भी लाया जाए तो एक तरीके से स्पेशलाइजेशन की तरफ जोर है अब ये स्पेशलाइजेशन की तरफ जो जोर है ये अपने आप में एक ओपनिंग डोर है लेटरल एंट्री के लिए लेटरल एंट्री क्या है कि स्पेशलाइज डोमेन से लोगों को लेके आना सर्विसेज में जरूरी नहीं है कि वो केवल और केवल प्राइवेट सेक्टर से ही आए इंटर सर्विस मोबिलिटी भी हो सकती है जैसे कोई इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का बंदा है तो उसको ले जाके प्रोजेक्ट के बेसिस पे लाया जा सकता है आपकी जहां एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन होगी सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने भी कुछ कहा कि एक सेंट्रल सर्विस सिविल सर्विसेज ऑथॉरिटी होनी चाहिए और सीनियर मैनेजमेंट लेवल जो है गवर्नमेंट का उसमें कैसे स्पेशलिस्ट लोगों की रिक्रूटमेंट हो सकती है इस पे वो अपनी दे। और ये भी कहा गया कि जैसे हम ह्यूमन रिसोर्स में जानते ही हैं कि जब रिक्रूटमेंट होता है तो हमें वाइड नेट रखना पड़ता है वाइड नेट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा लोग आ सके अप्लाई कर सकें तो इसी तरीके से कहा गया कि ये जो ये जो सीनियर मैनेजमेंट की पोस्ट होंगी यहां पर सारे सोर्सेस का यूज करें मतलब आपके जो सर्विसेज में ऑलरेडी लोग हैं और स्पेशलिस्ट डोमेन में रहते हैं उनका भी और प्राइवेट सेक्टर का भी यूज करा जाए आउटसाइड टैलेंट का भी यूज करा जाए वाइड नेट रखा जाए सिक्स पे कमीशन भी कुछ रिकमेंडेशन दे रहा है सो so, ऑफिसर्स को टेक्निकल या एक्सपर्टीज जो डोमेन रखते हैं उनका नियुक्ति हो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड और हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड में और कॉन्ट्रैक्ट पे भी रखा जा सकता है और यहां पर यह बात करी गई वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट ट्रांजिशन हो करियर बेस्ड सिलेक्शन टू पोस्ट बेस्ड सिलेक्शन मतलब कुछ जो पोस्ट है नहीं ऐसा नहीं है कोई भी व्यक्ति उस पोस्ट पे लाया जा सकता है रादर देन सर्विसेज सो करियर बेस्ड टू पोस्ट बेस्ट सिलेक्शन होना चाहिए बेस्ट डोमेन एक्सपर्ट डोमेन एक्सपर्ट का मतलब है स्पेशलाइज्ड बंदा आ सके अब देखिए तो यहां पर कहा गया कि सजेशन कहा गया कि एडिशनल पोस्ट बना लो फंक्शनल कंसिडरेशन पे फंक्शनल का मतलब है जो भी फंक्शन कोई करता है मतलब किसी को अगर स्पेशलाइज नॉलेज है तो और इसको भी सीनियर लेवल पे भी क्या हो ये भी ओपन सिलेक्शन होना चाहिए कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट होना चाहिए अंदर गवर्नमेंट से भी आए हुए लोगों का और बाहर से भी मतलब प्राइवेट सेक्टर से भी और जो साइंटिस्ट हैं स्पेशलिस्ट हैं उनको मार्केट ड्रिवन रेमुनेशन होना चाहिए कंपेन्सेशन पैकेजेस होने चाहिए ताकि यंग साइंटिस्ट हैं या यंग स्पेशलिस्ट हैं उनको ज्यादा मोटिवेशन रहे ऐसी सर्विसेज में अप्लाई करने का अब देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो बैच है ऑनगोइंग गोइंग ट्वेंथ ऑफ अप्रैल तक आपके लिए ओपन है यहां पर आपको बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में पूरी तैयारी कराई जाएगी वन टू फोर पी रेगुलर बेसिस पे क्लासेस होती हैं साथ में आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे जो कि क्लास में बहुत सारे डिस्कशंस होता है उसके उसका आपको हैंड रिटन फॉर्म में मिलेगा पीडीएफ क्रक्स मिलेगा पीडीएफ क्रक्स में आपको बेस्ट ऑफ द रिसोर्सेज से नोट्स मिलेंगे उसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी जैसे आई के आर्टिकल्स ईपीडब्ल्यू के आर्टिकल्स भी और साथ में पूरा बेसिक लेके एडवांस लेवल तक आपका ऑल बुक्स

with the latest requirement apart from that you'll also have answer writing sessions so answer writing is done by me in the class in uh, i mean i write the answers of the question and you get to learn how to write them altogether this would be a very good offering for you do remember for maximum discount just use sc live code whenever you are taking admissions do remember prompt hoga

अलग से ऐसा कुछ नहीं आएगा कि जो कमिटीज इसने क्या रिकमेंडेशन दी है यहाँ पर जो है पर एक लाइन आप अगर लिखेंगे दी जाने लगी स्टडी ग्रुप्स के द्वारा कि हाँ हमारे देश में स्पेशलाइजेशन की तो जरूरत है जर्नलिस्ट के पास वो इतना अच्छा इक्यूपमेंट नहीं है कि वो चीजों को सॉल्व कर पाएरसी फर्स्ट भी ये कह रही है स्टडी ग्रुप अब ये नाम याद रख लीजिएगा नगर कट्टी कमिटी ने क्या कहा है सो कमेटी अ स्टडी ग्रुप विद इन द फर्स्ट सी उन्होंने कहा कि बाय इंडिविजुअल टू स्टे इन अ एरिया ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर टेन एट टू टेन ईयर्स यहां पर उस बंदे को क्या हो सकता है डोमेन नॉलेज स्पेशलाइजेशन की नॉलेज हो सकती है और वाइल अवॉइडिंग फ्रीक्वेंट ट्रांसफर मतलब कोई आई ऑफिसर है और वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं तो वहां पर अगर उनका इधर उधर ट्रांसफर ना किया जाए और उनको मौका दिया जाए तो वो एक्सपर्ट बन सकते हैं आठ से दस साल में इस तरह जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सर्विसेज हैं वहीं के बंदे बेहतर कारगर रूप में हेल्प कर सकते हैं करंट पर्सनल सिस्टम डज नॉट मीट द नीड टू पोस्ट इंडिविजुअल बेस्ड ऑन देयर एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड दे प्रपोज रिवाइजिंग द गवर्नमेंट प्लेसमेंट पॉलिसी सो उन नगरकट्टी जो ग्रुप था एक स्कॉलर हैं एक आ, के एन नगरकट्टी उन्होंने ये कहा कि भाई यहाँ पर इंटर सर्विस मोबिलिटी की भी जरूरत है क्योंकि अगर हम इंटर सर्विस मोबिलिटी का मतलब है किसी जैसे एग्रीकल्चर वाले को या इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस वाले को बंदे को ऐसी जगह पर एडमिनिस्ट्रेटिव पोजिशन में लाया जा सकता है एक इंटर सर्विस साथ में बार बार ट्रांसफर करने से किसी का भी डोमेन जो है डेवलप नहीं हो पाएगा तो ये जो पॉलिसीज हैं हमारी अभी ट्रांसफर की वो सही नहीं है ये हनुमं जो फर्स्ट से, से रहे हैं रिलेटेड उनका भी कहना है कि अकॉर्डिंग टू द स्टडी टीम इंडिविजुअल्स को उनकी एबिलिटी और टैलेंट के हिसाब से देखना चाहिए वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज से और केवल और केवल आई के द्वारा मैन हो सकती है कोई पोस्ट ये जरूरी नहीं है सेक्रेटरी हमेशा आई क्यों हो जैसे आप देखे हैं साइंस एंड टेक डिपार्टमेंट या फिर आपका न्यूक्लियर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी यहाँ पर जो सेक्रेटरी होते हैं वो आईआईटी से भी आ रहे हैं वो बी एर सी से भी आ रहे से से सेक्रेटरी लेवल पे हैं जो सेम लेवल आई को मिलता है सो तो ऐसे ही क्यों ना एग्रीकल्चर में भी ऐसा ही हो ऐसे ही क्यों ना इंडस्ट्री में भी ऐसा ही हो ऐसे ही क्यों ना आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और आई है उसमें भी ऐसा ही हो ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी में भी ऐसा ही हो सकता है तो ये कहा विदाउट एनी कोटा फॉर स्पेसिफिक सर्विसेज मतलब जो आईएएस जर्नलिस्ट है उसकी जगह नहीं उसकी जगह स्पेशलिस्ट को लाया जाए और इन्होंने कहा कि ये जो पोजीशंस हैं सीनियर लेवल की किसी भी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में उसको खोल दिया जाए टेक्निकल प्रोफेशनल स्पेशलिस्ट नॉन टेक्निकल सर्विस सबके लिए जिन्होंने 9 टू 12 इयर्स की सर्विसेज को अपना पूरा कर लिया है चाहे वो किसी भी सर्विसेज में हो यूपीएससी के थ्रू सेलेक्ट होके और इनका सिलेक्शन भी कैसे होना चाहिए यूपीएससी ही सेलेक्ट करे और एग्जामिनेशन दोबारा कराए जैसे एंट्री लेवल पे होती है और इनका बायोडेटा देखा जाए कि इन्होंने किस कोर एरिया में आज तक 9 से 12 साल की सर्विसेज दी हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट आपको ये ध्यान रखना है एआरसी ने एक्नोलेज किया है कि देखिए धीरे धीरे आपको ये देखने को मिल रहा है कि वेलफेयर स्टेट हो रहा है कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट है सो डाइवर्सिफिकेशन फंक्शन का हो रहा है गवर्नमेंट के और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस आई ए एस वॉज प्रपोज फील्ड जो कि लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन से मेजिस्ट्रेट रिक्वायरमेंट होती है डीएम के पोस्ट में और रेगुलेटरी वर्क से रिलेटेड था जो कि और किसी फंक्शनल एरिया में नहीं आता है तो तो ये तो इसकी अपनी एक खासियत हो गई यहीं पर एक पाटिल और देशमुख के जो स्टडी ग्रुप थे उन्होंने कहा ए ने एट ऐसी स्पेशलाइजेशन का जिक्र किया है जहां पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिविल सर्विसेज को सिविल सर्वेंट्स को स्पेशलाइजेशन के लिए भेजा जा सकता है आपको सारे तो याद करने की जरूरत नहीं है कुछ याद रख लीजिएगा पाटिल और देशमुख के साथ लिखिएगा ये स्कॉलर्स के नाम सो क्या करा जा सकता है इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चरल रूरल डेवलपमेंट इनके लिए अलग अलग डोमेन बना ली जाएं स्पेशलाइजेशन एजुकेशनल अब जाहिर सी बात है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को एजुकेशनल रिक्वायरमेंट जरूरी नहीं है सारी पता हो और फिनेंशियल डिफेंस इंटरनल सिक्योरिटी और प्लानिंग इस तरीके से एट स्पेशलाइज पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में तैयार किए जा सकते हैं ए आर सी कि सलेक्शन ऐसा होना चाहिए कि बेस्ट कैंडिडेट आए ये ही नहीं कि कोई भी कार्डर बेस्ड आई ही है तो नहीं कहीं से भी वेरियस सर्विसेज से लोगों को ले आया जाए और इससे क्या होगा कि दो, जो सेलेक्टेड लोग होंगे उनको केवल और केवल एग्जीक्यूटिव फंक्शन के लिए नहीं लाया जा रहा है पॉलिसी बनाने के लिए और मैनेजमेंट के लिए लाया जा रहा है और लॉन्ग टर्म टेन्योर के लिए लाया जाए डिफरेंट स्पेशलाइजेशन के लोगों को इसके अलावा आपकी पॉलिसी और मैनेजरियल जो पूल है मतलब पॉलिसी बनाने में और मैनेजरियलिज्म को लाने में जो पूल बनाया जा रहा है उसमें वो पार्शली फिल करे जाए मैनेजमेंट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ठीक है और पॉलिसी एंड मैनेजरियल पूल की रिकमेंडेशन करेगी कि डेप्यूटी सेक्रेटरी लेवल पे एटलीस्ट छह साल का क्या दिया जाए टेन्योअर दिया जाए तो लंबे समय के लिए लोगों को इन पोजिशन पे लाया जाए ऐसे ही एक कमेटी आई सुरेंद्र नाथ कमेटी टू में उन्होंने कहा कि सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम में आपको जरूरत है उन्होंने रिकमेंडेशन करी of इलेवन स्पेशलाइजेशन की बात करी और कोई भी ऑफिसर हो किसी तीन चीज में मेजर कर सकता है मतलब वो अपनी स्पेशलाइजेशन डेवलप कर सकता है देखिए कैसी चीजें हैं वो ही जैसे पहले भी ग्रुप ने देशमुख ग्रुप भी कह रहा है डोमेन एग्रीकल्चर सोशल सेक्टर कल्चर और इंफॉर्मेशन नेचुरल रिसोर्सेज हाउसिंग एंड अर्बन स्फेयर अफेयर्स

सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने और रिकमेंडेशन दी है कि तेहरा इयर्स की जब किसी भी सर्विसेज हो जाए ऑल इंडिया सर्विसेज वालों को या सेंट्रल सर्विसेज वालों को लेटे सपोज कोई आईआरएस है सो आईआरएस रेवेन्यू सर्विसेज में भी कोई एक डोमेन में उसको फिर स्पेशलाइजेशन दी जाए या फिर आपका आईएएस है सो तो आईएएस तो बहुत ही डाइवर्सिफाइड काम करता है जर्नलिस्ट है उसको किसी एक चीज में स्पेशलाइजेशन डोमेन में करा दी जाए जैसे हो सकता है कोई ई e गवर्नेंस में बहुत बढ़िया रहा हो या आईएएस ऑफिसर ही हो सकता है डायरेक्टर रहा हो टूरिज्म डिपार्टमेंट का स्टेट लेवल पे सो फिर टूरिज्म को आगे लेके चले या ई गवर्नेंस को आगे लेके चले सो तेहरा इयर्स की सर्विस के बाद यहाँ पर बात करी गई कि डोमेन असाइन हो जाने चाहिए जो की रिपोर्ट्स आती हैं यूपीएससी की उसमें भी बताया गया है कि डिस्पाइट ट्रेंड ऑफ हायर इनटेक ऑफ टेक्निकल ग्रेजुएट्स हम देख रहे हैं कि अभी आप देख रहे हैं कि फोर्टी परसेंट से भी ज्यादा जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो इंजीनियर्स हैं बहुत बड़ी संख्या में जो कैंडिडेट्स हैं वो आपके आईआईटी से आते हैं और आईएम से आते हैं सो so, जब हमारे पास पहले से ही ऐसे सिलेक्टेड ऑफिसर्स का एक पूल है तो हम लेटरल एंट्री पे ज्यादा जोर न देके इन्हीं को डेवलप नहीं कर सकते हैं यही रिकमेंडेशन दी गई है यूपीएससी की रिपोर्ट में भी कुछ कहा गया है कि हमें इस चीज को एड्रेस कर सकते हैं कि कोई भी बंदा अगर लेटर सपोज मैकेनिकल इंजीनियर से आ रहा है आईआईटी रुड़की से या सिविल इंजीनियरिंग से सो तो उसको ये होना चाहिए अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में भी है पर अपने आप को वो अपडेट करता रहे और सिक्स टू एट इयर्स के बाद या टेन इयर्स के बाद अगर उनको डोमेन भी दिया जाता है तो बहुत चीजें बदल गई होती हैं जैसे आप देखें कोई कोई अगर आईटी सीएस कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से है सो तो अभी डेटा साइंस आ गई है एआई आ गई है तो कितना कुछ बदल गया है और जिन्होंने सी प्लस प्लस जैसी लैंग्वेजेस करी है उनके लिए बिल्कुल नया डोमेन होगा सो तो, धीरे धीरे हमें देखने को मिलता है कि स्पेशलिस्ट भी जर्नलिस्ट बन जाते हैं पर जिन लोगों का स्पेशलिस्ट बैकग्राउंड है उनका क्या होना चाहिए इनको कॉम्पिटेटिव रहना चाहिए और लगातार अपने को अपडेट करना चाहिए ऐसा यूपीएससी ही कह रही है ऑफिसर्स कैन बिकम आउटडेटेड इन रेपिडली इवॉल्विंग टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप सो जब तक वो मिड करियर में जा पाते हैं उनको पंद्रह बीस साल का अनुभव होता है पंद्रह साल का तब तक उनकी बैकग्राउंड से नॉलेज जा चुकी होती है जो उनकी स्पेशलाइजेशन है उसकी कोई नॉलेज नहीं रह जाती है और जब आपके में लिखने को आए इन्होंने कहा सिविल सर्विसेज के सेकंड एआरसी ने कुछ रिकमेंडेशन की एक तरीके से स्पेशलाइजेशन कैसे बढ़ाई जा सकती है कि भाई आप लेटरल एंट्री कर लो जो कि अभी गवर्नमेंट कर भी रही है दो में बाईस में अभी तीसरी बार करने जा रही है ठीक है एडवर्टीजमेंट निकला था तो so, एक तो लेटरल एंट्री कर लो लिबरल रिवॉल्विंग डोर पॉलिसी रिवॉल्विंग डोर पॉलिसी इसका मतलब क्या है समझिए कि जैसे कोई आई ऑफिसर है और उसने डीएम के पद पे काम कर लिया कुछ पांच छह साल का अनुभव हो गया फिर इनको एनजीओ में भेज दिया जाए एनजीओ या सिविल सोसाइटी में या प्राइवेट सेक्टर में इनको भेज दिया जाए काम करने के लिए प्रेशर ग्रुप के साथ या प्राइवेट सेक्टर के साथ यहां पर कुछ साल ये काम करें और इनको वापस लाया जाए

इंडियन तो ब्यूरोक्रेसी में आपके जो पॉलिसी को समझना और मैनेजमेंट को समझने वाली जो बात है वो कम है इनके अनुसार एक और स्कॉलर है रघुवलू वो कह रहे हैं कंसर्न्स दैट जर्नलिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन नॉट बी इक्विप्ड कि जर्नलिस्ट तो समझ ही नहीं पाते अब अगर कोई जर्नलिस्ट है और उनका बैकग्राउंड है साइंस का या बी एम का और वो काम कर रहे हैं और उनको पोस्ट कर दिया जाता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में uh, या फिर आपके नमामी गंगे प्रोजेक्ट का डायरेक्टर बना दिया जाता है सो so, ऑब्वियसली उनको वो बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है तो so, यही रघु वलू एज एन स्कॉलर कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि जर्नलिस्ट को इक्विप नहीं है सो so, ये आप ध्यान रखिएगा स्कॉलर्स के नाम के साथ आपको लिखने हैं जब आप आंसर राइटिंग करेंगे जब अगर ये आता है तो सो प्रेजेंट गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि भाई यूपीएससी को इन्वॉल्व किया प्रेजेंट गवर्नमेंट ने उन्होंने कहा कि हमें सबसे पहले जो ओपन करी गई लगभग दस आपकी ओपनिंग करी गई पोस्ट की और वहां पर वहां पर यूपीएससी ने इंटरव्यू कंडक्ट करा है और डोमेन स्पेशलिस्ट जो प्राइवेट सेक्टर से आ रहे हैं विदेश यूनिवर्सिटी से भी पढ़ चुके हैं बेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी हर यूनिवर्सिटी तो विदेश में भी बेहतर नहीं है और इंडिया में भी 10-12 साल का उनको अनुभव रहा है अपने अपने क्षेत्रों में उनको सर्विसेज में लाने का काम किया अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है और ये आए गए सबसे पहले ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पे किन so, सर्विसेज में आए और कहां पर ये पोस्टेड है इकोनॉमिक रेवेन्यू कॉमर्स एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव फिनेंशियल सर्विसेज जैसे बैंकिंग में सिविल एविएशन में क्लाइमेट चेंज में अगर कोई काम कर रहा है पिछले जैसे तेरी, जैसे टेरी जैसे इंस्टीट्यूट में या फिर आपको डाउन टू अर्थ जैसी जगह पर ये जो रिपोर्टिंग भी करते हैं या फिर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुका है जो कि वर्ल्ड में क्लाइमेट चेंज के लिए काम कर रहे हैं उनको लाया गया और क्योंकि इनकी लेटरल एंट्री कराई गई स्पेशलाइजेशन को कोई रोड ट्रांसपोर्ट में है कोई रोड ट्रांसपोर्ट में एल में काम कर चुका है या फिर आपके जो जेपी एसोसिएट्स में काम कर चुका है जो कि आपकी बड़ी बड़ी रोड्स प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं भारत में यूपीएससी रिकमेंडेड नाइन कैंडिडेट्स जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में गए ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पे और ये डिस्टिंग बैकग्राउंड से आए थे बेहतरी इनकी एक्सपोजर था इनके फील्ड में और इनको लाया गया और इनको सेम सर्विसेज दी गई चाहे वो एच की सुविधा हो या, या व्हीकल जो जो कैसे, कैसे दिया गया क्योंकि ये बहुत ही डाइवर्सिफाई बैकग्राउंड में आ रहे हैं सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने इनके लिए इंडक्शन प्रोग्राम कराया द्वारा स्पॉन्सर्ड था गवर्नमेंट के, के प्रोसेस से इनको आपका रूबरू कराया गया साथ में एक और जो भी फी फील्ड एक्सपोजर इन्हें नहीं था तो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी इन्हें फील्ड एक्सपोजर दिया गया ध्यान रखिएगा आई, आई ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है फील्ड विजिट भी कराई गई डिफरेंट एंट्री पॉइंट आगे के जो इसके बाद ये तो फर्स्ट था 2019 में 2022 में जो एंट्रीज हुई हैं उसके बाद जो हमने देखा है वहां पर ये देखा कि यूपीएससी और गवर्नमेंट ने केवल और केवल ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल नहीं यहाँ पर डेप्यूटी सेक्रेटरी लेवल और डायरेक्टर के पद पे भी लोगों को नियुक्त किया है और संख्या भी बढ़ा दी है सेकंड बैच में जो था वहां पर 31 व्यक्ति थे बाय यूपीएससी 31 हैव इंक्लूडिंग थ्री सेक्रेटरीज 18 डायरेक्टर्स एंड नाइन इनके भी बहुत ही डायवर्सिफाइड बैकग्राउंड थे तो आपको क्या क्या एक पॉलिसी डायरेक्शन क्या देखने को मिल रहा है कि पहले नौ फिर थर्टी और ये लगातार बढ़ते ही रहने हैं और लगातार होते ही रहेगा सो so, इनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था इनके एरियाज में कोई इकोनॉमिक्स था, 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 था। so, इकोनॉमिक ने ट्रेनिंग दी यहां पर पर्सनल डिपार्टमेंट ऑफ डीओपी टेक्निकल सपोर्ट था कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन ये एक संस्थान है जो कि जो एग्जिस्टिंग ब्यूरोक्रेसी है उसमें कैसे काबिलियत को और बढ़ा जाए कैपेसिटी को इनहांस किया जाए ये इसके लिए है और लिबरल रिवॉल्विंग डोर विद एनजीओ अकादमिया एंड प्राइवेट सेक्टर अज्यूम दैट कि जो अभी हमने बात करी थी लेटरल एंट्री की तो हमने बात कर ली आपसे जो एक रिकमेंडेशन है दूसरी रिकमेंडेशन जो है वो है लिबरल रिवॉल्विंग डोर मतलब आईएएस या फिर आपके सिविल सर्वेंट्स को क्या किया जाए एन में अकेडमिया में और प्राइवेट सेक्टर में भेजा जाए कि जाओ ये आप अब दस साल या सॉरी आप दो चार साल क्या करें आप जाके प्राइवेट सेक्टर में बात करें सो काम करें सो एक्सपोजर दिया जाना चाहिए सेकेंड एआरसी ने और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने एक हेल्प हेल्प करी थी सेमिनार जब सेकेंड एआरसी की रिपोर्ट आ रही थी तो इसमें ये चर्चा भी हुई कि क्या ये सही रहेगा अगर कोई व्यक्ति एक बार प्राइवेट सेक्टर में चला गया और उसको वहां का ज्यादा वर्क कल्चर समझ में आया क्योंकि पब्लिक सेक्टर का जो वर्क कल्चर है इतना अच्छा नहीं माना जाता है ठीक है वहां पर बहुत सारी ब्यूरोक्रेटिक पैथोलॉजीज हैं डिलेज हैं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है इसकी वजह से लोगों में एक आ, मिसिंग चाम हो सकता है तो इसी विषय पे बात किया गया कि इनको री कैसे किया जाएगा सर्विस में प्राइवेट सेक्टर के बाद इस पर चिंता हुई एक और स्कॉलर हैं अमिताभ भट्टाचार्य इनका नाम आप याद करिएगा और इसको लिखिएगा भी भी यहां पर कुछ एरिया एरिया हैं हैं उन को ये ये हाईलाइट कर रहे हैं कि ये ऐसा नहीं है कि इसका विरोध नहीं हो रहा है बहुत सारे जो मिड लेवल आई ऑफिसर हैं उनको ऐसा लग रहा है हमारी ताकतें तो चली गई सबसे पहले हमारी हज होती थी अब तो स्पेशलिस्ट कहा जा रहा है ये भी कहा जा रहा है और सर्विस से भी स्पेशलिस्ट लाके

ये भी इसमें कहा गया कंसर्न्स ये भी लाए गए कि जो आउटस्टैंडिंग एक्सपर्ट्स हैं प्राइवेट सेक्टर के वुड बी अट्रैक्टेड टू ज्वाइन क्या वो लिमिटेड टाइम के लिए अपने करियर को छोड़ के आएंगे और वर्क करेंगे और जाएंगे क्या हम वास्तव में कोई अच्छा पूल ऑफ टैलेंट ला भी रहे हैं या केवल ऐसे लोग जो अभी उधर संतुष्ट नहीं है और इधर आके कुछ अपने सीवी में बिल्ड करना चाहते हैं ऐसे तो लोग नहीं है हाँ कुछ तो रिजर्वेशन है कुछ तो एंग्जाइटीज हैं परंतु सम पीपल बिलीव दैट दिस गवर्नमेंट मूव इज बोल्ड और इसको इसने कंपटीशन को बढ़ाया है और जो एक डेडवुड की तरह सोती हुई को भी जगाया है so, सो so, जो स्टेटस को इस टेंडेंसीज है और एक चलता है, है उसको शेकअप किया है पब्लिक सर्वेंट्स को भी लग रहा है कि नहीं भाई अब हमारे पास चैलेंज है सो so, अमिताभ भट्टाचार्य ने इंफोसाइज किया है कि सेक्टोरियल स्पेशलाइजेशन इन द आईएएस एंड सजेस्ट टू हैव अ होलिस्टिक अप्रोच इन पॉलिसी मेकिंग कि जो एग्जिस्टिंग सर्विस में हैं लोग उन्हीं को क्या किया जाए ज्यादा से ज्यादा बेहतर उनका स्पेशलाइजेशन किया जाए इसके बारे में बोला है सो कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट में कोई गारंटीड नहीं है और एक और कंसर्न्स आई है कि जैसे आज जो गवर्नमेंट है वो ऐसे लोगों को ला रही है अभी तो जो आपकी लिटरल एंट्री है उसमें तीन ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है उसको बढ़ा के और करा जा सकता है सडनली अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो इन लोगों को हो सकता है बढ़ा हटा दिया जाए सडन जो ट्रांसफर्स होते हैं ऐसे वो इंडिविजुअल के लेवल के लिए तो खराब हैं ही और साथ में जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी चली आ रही हैं उनमें भी डिस्ट्रप्शन लाते हैं जिससे कि पूरा का पूरा इको में एक सेंस ऑफ अनसर्टिनिटी आती है जो अपने आप में सही नहीं है द इंक्लूजन ऑफ स्पेशलिस्ट इन गवर्नमेंट पोजिशन ऐसा माना गया है कि इसका पॉजिटिव इंपैक्ट होगा इसको एक चांस दिया जाना चाहिए पोटेंशियली प्रोफेशनलाइजिंग होगी हमारी सर्विसेज नए एरिया ऑफ फोकस आएंगे और जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है उन चीजों को हम सॉल्व करने में कामयाब होंगे अब क्यों ना ऐसे एक्सपर्ट को लाया जाए जो ब्लॉक का यूज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे हो रहा है उसको रोल आउट कर सकता है आई ऑफिसर के तो बस की ये बात नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट एलनेस उनको बहुत सारा अनुभव एक ही फील्ड में हो गया या तो ऐसे लोगों को द सर्विस चयनित किया जाए जो कि कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हैं और फिर उनको डोमेन नॉलेज में लाया जाए उनका लगातार अपडेट किया जाए या फिर बाहर से लोगों को लाना पड़ेगा सो so, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनके ऊपर चर्चा करी जा सकती है अर्जेंसी इन एड्रेसिंग स्पेशलाइजेशन क्रिटिकल नीड है अभी हमारे देश में और अर्जेंसी है ये जल्दी से जल्दी इसको एड्रेस करने की जरूरत है ये बात नाइनटीन से चली आ रही है पर अभी भी रिपोर्ट पे रिपोर्ट कमिटी पे कमेटी आई है पर बहुत ही कम स्टेप लिए गए हैं आप देखिए नाइनटीन से ही जो एस्टिमेट कमेटी है वो कह रही है इस बात को फर्स्ट एआरसी कह रही है नगर कट्टी जो ग्रुप है वो कह रहा है देशमुख ग्रुप पाटिल ग्रुप सब कह रहे हैं पर ये अभी धीमा है बहुत इंप्लीमेंटेशन लैकिंग है प्रपोज सॉल्यूशन अब ये कहा गया है कि एक प्रपोज सोल्यूशन ये भी है जैसे हमारे ही जो ब्यूरोक्रेट्स हैं आईएएस आईपीएस आईआरएस जो भी इनको सर्विसेज मिल रही है इनको इन्हीं को सबैटिकल दे दिया जाए जैसे किसी ने बीटेक कर रखा है अगर कंप्यूटर साइंस में तो उनको सबैटिकल देके कहा जाए अब आप एम टेक कर लो और यूज कर लिया जाए और तब इनको पॉलिसी मेकिंग रूल में लाया जाए सबैटिकल लीव दे दी जाए स्पेशलाइजेशन करने के लिए इंटीग्रेशन का एक चैलेंज इस पे भी सोचने वाली बात है कि जो डिफरेंट एक तो ये बहुत स्मॉल ग्रुप में आए हैं जैसे आपने देखा 9 आ ऑल टुगेदर कैसे इंटीग्रेशन होगा ये एक है कि लैक ऑफ इंटीग्रेशन से क्या होता है फ्रेगमेंटेशन होता है और प्रॉब्लम एरियाज आते हैं तो ये कंसर्न है इंपैक्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर कल्चर प्राइवेट सेक्टर कल्चर है प्रॉफिट मोटिव से और हमें चाहिए लोग जो कि सर्विस ओरिएमें कैसे सामंजस्य बिठाया जाएगा हाउलेंस वुर दे वु इंटीग्रेट सेवर्मेंट कल्चर और नॉट एंड ऑल दिस इज वन कंसर्न अंदर कंसर्न इज यू डेवलप द आर्ट ऑफ नेगोशिएशन विदिटिकल पार्टी पोलिटिकल लीडर्स एंड द पीपल ऑन द ग्राउंड दैट प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉइज डू नॉट नो Collaboration across cultural backgrounds. Can individual from diverse cultural background effectively collaborate with public administration framework? It means somebody who has worked, let us suppose, in investment banking in Japan, Singapore, or Hong Kong. And suddenly, they are brought into some areas of department. And when they have to interact with people who have do not have that kind of exposure, ऐसे लोगों से इंटरेक्शन हो रहा है जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं बट बहुत ज्यादा ग्राउंड की नॉलेज है टेक्निकल वर्ड्स या नॉलेज नहीं है उनके साथ कैसे सामंजस्य बिठाया जाएगा सो so, ये कुछ क्वेश्चन भी अराइज होते हैं कुछ पॉइंट याद रखने लायक है सो पब्लिक बाय शेखर यहाँ पर आपको ये पूरा का पूरा जो रिसर्च पेपर है वो मिल जाएगा जो कि ये रिसर्च पेपर हमने लिया है आई का जो कि आपको बहुत ही कटिंग एड्स पे नए सवाल नए जवाबों के साथ सर्व करता है पब्लिक बाय शेखर पे आप जाएं और यहां पर आपको ये मिल जाएगा पेपर भी ओरिजिनल फॉर्म में पीडीएफ फॉर्म में ये पीपीटी भी और लेक्चर तो है ही सो दैट इज ऑल वी हैड फॉर द